कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देश में तमाम तरह के उपायों को प्रयोग में लाया जा रहा है। कोई दिन में कई बार काढ़े का सेवन कर रहा है तो कोई बार बार गर्म पानी पी रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे नुस्खे और तथ्य वायरल हो रहे हैं जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि उन उपायों को प्रयोग करना आपको कोरोना संक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित रख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे ही एक दावे में कहा जा रहा है कि यदि आप रोज़ाना गर्म पानी से नहाते हैं तो यह उपाय कोरोना वायरस को मारने में कारगर हो सकता है। आइए विशेषज्ञों से जानते हैं कि वास्तव में यह उपाय संक्रमण से बचाने में कारगर हो सकता है या नहीं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गर्म पानी से नहाना और बार बार गर्म पानी पीने से कोविड-19 संक्रमण का खतरा टल सकता है। वायरल सुझाव में कहा जा रहा है कि गर्म पानी के प्रभाव से कोरोना वायरस मर जाता है, इसलिए जब भी बाहर से घर में आए तो गर्म पानी से ज़रूर नहा लें। इस वायरल सुझाव को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को सचेत किया है। केंद्र सरकार के ट्विटर हैंडल माई गवर्नमेंट इंडिया के माध्यम से विशेषज्ञों ने बताया कि इस तरह के उपाय कोरोना वायरस को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। गर्म पानी पीने या इससे नहाने से न ही कोरोना वायरस मरता है, न ही इससे कोविड-19 बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कोरोना वायरस को मारने के लिए लैब सेटिंग्स में 60 से 75 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। दिल्ली एम्स डॉक्टर आयासी पाल कहती हैं कि लोगों को हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। गले को साफ रखने के साथ साथ पाचन को भी ठीक रखने में यह फायदेमंद माना जाता है। गुनगुने पानी के सेवन से गले में बने बलगम को हटाने में भी मदद मिल सकती है। एम्स के डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। काढ़े के मामले में भी ऐसा ही है, इसका भी बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि औषधीय हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसी को देखते हुए कोरोना से बचने के लिए काढ़े के सेवन का और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक दिन में एक कप से ज़्यादा काढ़े का सेवन नहीं करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।